हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अहद हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर। होप यू आर वेरी वेल। सो दिस इज़ योर 10th लेक्चर ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग फॉर क्लास 9th। इन लास्ट लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। सो इन दैट लेक्चर फर्स्ट वी हैव सीन दैट लेटेंट हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट। देन वी कम टू द टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड latent heat of vaporization. So first we have seen latent heat of fusion, in which we have seen that how solid converted to changes to liquid by providing latent heat. Okay, so this case has already been discussed in last lecture. So now we will cover the second type of latent heat, है ना, latent heat of vaporization. So दो केसेस हमको डिस्कस करने थे, एक तो लेटेंट हीट ऑफ क्या था, फ्यूजन, जिसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और दूसरा क्या है जो आज हम लोग पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग लेटेंट हीट थोड़ा सा पढ़े थे, उसके बारे में समझे थे, फिर ये देखा था दो तरह का होता है। तो एक तरह का हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कंप्लीट कर लिया, और दूसरा यही है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए बच्चों, तो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसे तो आप लोगों को लास्ट लेक्चर अगर देखे होंगे तो थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि क्या होता है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैन बी सप्लाइड बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट एज फॉलोज। ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग करके ये देख सकते हैं लेटेंट हीट के बारे में, वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को समझ सकते हैं। वी टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ थर्मामीटर इन इट। हम एक वाटर का मतलब लेते हैं बर्तन में, एक बीकर में, और उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, थर्मामीटर। ऐसे ही बस बर्तन लीजिए और डाल दीजिए। सस्पेंड करने का मतलब क्या है कि आप स्टैंड लगा के ऐसे लटका सकते हैं उसके अंदर, या सिंपली आप थर्मामीटर उसमें डाल दीजिए, है ना। वी हीट दिस वाटर बाई यूजिंग अ बर्नर। अब हम लोग एक बर्नर का यूज करते हुए जो वाटर वेसल में लिया था जिसमें थर्मामीटर डाला है, उसको थोड़ा हीट करना स्टार्ट करते हैं। एंड नोट इट्स टेम्परेचर आफ्टर एवरी मिनट। हर मिनट के बाद हम उसका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, और बार बार उसके थर्मामीटर में हम देख रहे हैं, उसकी रीडिंग देख रहे हैं। एज हीट इज गिवेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेज ग्रेजुअली अंटिल 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे, धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बॉयल्स एंड स्टार्ट चेंजिंग इनटू स्टीम। अब क्या हो रहा है बच्चों, जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा, उसके बाद जैसे ही हम और हीट करेंगे, वो क्या होता जाएगा, स्टीम में बदलता जाएगा। ठीक है ना। एज मोर हीट इज गिवेन टू वाटर, मोर स्टीम इज फॉर्म्ड, बट द थर्मामीटर रीडिंग रिमेन्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, शोइंग दैट देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है बच्चों, कि जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ा थर्मामीटर, पहले सस्पेंड किया वाटर में, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हीट लगातार हम दे रहे हैं ना बंसन बर्नर से, अब हीट दे रहे हैं उस वाटर को, तो वो धीरे धीरे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने के बाद जब मैं हीट दे रहा हूं, और हीट देने पे क्या होगा बच्चों, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, वेपराइजेशन स्टार्ट होगा। लेकिन उसका अब कितना भी हीट हम देते जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा वाटर का, वो क्या होगा, वेपराइजेशन उसका होता जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ड्यूरिंग द इंटायर वेपराइजेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन बीकर टेम्परेचर विल नॉट चेंज। ओके, लेकिन हमको थोड़ा ग्रेजुअली हीट करना है, ऐसा नहीं हो कि एकदम से कुछ ऐसे चीज़ पर रख दें जिसका मतलब फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज हो, है ना। हमको हल्के फ्लेम पे, नॉर्मल फ्लेम पे रखना है। ठीक है ना बच्चों, जैसे गैस वगैरह पे अगर रखते हैं तो एकदम फुल गैस करके मत रखिए, नॉर्मल गैस पे रखिए। ठीक है, चलिए। दस वंस द वाटर हैज़ बिगन टू बॉयल, द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल द वाटर हैज़ चेंज इनटू स्टीम। तब तक वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे थर्मामीटर बताएगा ये हमारा टेम्परेचर, जब तक कि पूरा का पूरा वाटर मतलब इवेपरेट ना हो जाए। अब पूरा वाटर इवेपरेट होने के बाद भी थर्मामीटर कहाँ बदलने वाला है बच्चों, है ना, क्योंकि वाटर ही नहीं है तो किसका टेम्परेचर बताएगा, वो एयर का बताएगा, जितना यहाँ का टेम्परेचर एयर का रहेगा वो बताएगा। चलिए, बात समझ में आएगी नहीं, वाटर था, हीट किया धीरे धीरे, थर्मामीटर सस्पेंड किया, उसमें शुरू में उसका टेम्परेचर कुछ रहा होगा, शुरू में वाटर का टेम्परेचर बिना हीट के कितना रहा होगा, रूम टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 30 डिग्री रहा होगा,
है ना, जब हीट शुरू किया करना तो 30 से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और हीट किया और हीट किया और हीट किया, तो कहाँ तक पहुँचा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब और हीट कर रहे हैं उसको, तो क्या हो रहा है, वेपराइजेशन होने लग रहा है, लेकिन अब 100 से नहीं बढ़ रहा है, 100 से थर्मामीटर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना, थर्मामीटर 100 के ऊपर जा ही नहीं रहा, इसकी रीडिंग ऊपर नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि इंटायर चेंज में हम लोग क्या दे रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या हो जा रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिल रहा है उसको, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिल रहा है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिल रहा है तो उसका टेम्परेचर कहाँ बढ़ेगा, लेटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ता बच्चों, यही बताना चाह रहा था। द हीट विच इज गोइंग इन टू बॉइलिंग वाटर बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस, है ना, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वी विल नाउ गिव अ डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। तो जितनी हीट हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद दी है ताकि वो लिक्विड से वाटर में बदल जाए, वही उसका लेटेंट हीट था। ओके बच्चों, तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इन द इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, है ना, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसी लिक्विड के लिए क्वांटिटी ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ हीट किस में, जूल में, कितना दे रहे हैं, है ना, या कितना ज़रूरत है 1 किलो वाटर को या 1 किलो लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए गैस में, है ना। अगर हम वाटर को कर रहे हैं तो उसमें हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो हीट देनी पड़ेगी वो हमारा लेटेंट हीट होगा, है ना। और किसी सब्सटेंस के बारे में अभी बात मत करिए बच्चों, कन्फ्यूज जाएंगे आप। अगर सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, सबका क्या होता है, सब्सटेंस का वेपर मतलब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो सबके लिए लेटेंट हीट का मतलब वैल्यू भी अलग अलग होगा। तो वाटर के लिए कितना होगा वो हम लोग कैसे समझेंगे, कि 1 किलो वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहले गर्म कर लिए हैं, उसके बाद जितनी हीट देने पे वो वेपर बन रहा है उसी को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो कितना होगा, इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट 22.5 × 10⁵ जूल्स ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम वाटर को लिक्विड से गैस में वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 22.5 × 10⁵ जूल एनर्जी हमको देनी पड़ती है, ठीक है ना बच्चों। यही इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा वाटर के लिए, ठीक है। चलिए, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 × 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम के लिए, मतलब इसको ऐसे शो कर सकते हैं 22.5 × 10⁵ जूल पर केजी होता है वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके बच्चों, ये आप लोगों ने डायग्राम समझा कि एक बीकर लेना था, उसमें पानी लेना था, है ना, उसको हीट करना था, थर्मामीटर लगाना था। जैसे जैसे हीट करते जाएंगे थर्मामीटर में रीडिंग बढ़ती जाएगी, कहाँ तक बढ़ेगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगी। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता, अब यहाँ पे जाने के बाद बॉइलिंग होने लगेगी, इसका मतलब इवेपोरेशन होने लगेगा। अब इवेपोरेशन के दौरान भी तो हम हीट दे रहे हैं, तो वो हीट से अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो क्यों, क्योंकि बाकी का हीट क्या ले ले रहा है, लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जा रहा है। तो 100 डिग्री के पॉइंट के बाद से जितनी भी हीट हमने दी इसको पूरे लिक्विड को गैस मतलब वेपर में बदलने के लिए, उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। और वो कितना होता है, 22.5 × 10⁵ जूल पर केजी, 1 केजी लिक्विड को मतलब वाटर को कन्वर्ट करने के लिए इतनी जूल एनर्जी लगी देनी पड़ती है। ओके, वी हैव जस्ट सीन दैट व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स ऑन हीटिंग इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, द हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ बॉइलिंग लिक्विड इज यूज अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस बाई ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। वही है कि जो लेटेंट हीट है वो गई कहाँ, वो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहा होगा, वेपर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देंगे तो वेपर में बदल जाएगा, तो वो सारी लेटेंट हीट कहाँ चली गई, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए चली गई, है ना, बात समझ में आई। उसी को ये इस फॉर्म में लिख दिया, आप लोग पढ़ करके इतना समझ सकते हैं। दिस पॉइंट विल बी बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं उसे समझ में आ जाएगा। वी विल नाउ डिस्कस वाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग गिवन कंटिन्यूसली, मतलब टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है ना बॉइलिंग वाटर का, कब, जब तक कि पूरा का पूरा हमारा वाटर क्या नहीं हो गया, मतलब वेपराइज नहीं हो गया, हम हीट कंटिन्यूसली दे रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद और नहीं चेंज हो रहा है टेम्परेचर,
नहीं चेंज हो रहा है. दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज. वाटर इज अ लिक्विड सब्सटेंस. द पार्टिकल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट वन अनदर विद सर्टेन फोर्सेज. कुछ फोर्स के साथ लिक्विड के वाटर के लिक्विड फॉर्म में उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द वाटर पार्टिकल्स टूगेदर इन द लिक्विड स्टेट. उसको लिक्विड स्टेट में बनाए रखते हैं वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के पार्टिकल के बीच में जो है. द हीट विच वी सप्लाई टू वाटर ड्यूरिंग बॉइलिंग इज यूज टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स सो दैट दे बिकम टोटली फ्री एंड चेंज इन टू गैस. दिस लैटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल्स एंड हैंस नो राइज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर. अब इस चीज़ को मैंने कितनी बार बता दिया है बच्चों, अब इस लाइन को मुझे नहीं लगता है कि और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ठीक है ना. तो वो हीट जो लैटेंट हीट कहाँ जा रही है, वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो होता है. फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, उसी को कम कर देता है, वहीं चला जाता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इफ वी पुट अ लिटिल ऑफ स्पिरिट ऑन द बैक ऑफ आवर हैंड एंड वेव इज अराउंड. मतलब हमने स्पिरिट लगाया अपने हाथ के यहाँ इस हिस्से पे और हवा चल रही है. द स्पिरिट इवेपोरेट रैपिडली एंड आर हैंड फील्स वेरी कोल्ड. मतलब एसीटोन ले लीजिए या कुछ ऐसा ले लीजिए जो वेपराइज हो सके. यहाँ रख दिया तो वो जल्दी से क्या होगा, वेपराइज होना चाहेगा, है ना. ठीक है बच्चों, तो हमारा हाथ कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्पिरिट नीड्स लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. स्पिरिट क्या करना चाह रहा है, लिक्विड से वेपर में बदलना चाह रहा है. द स्पिरिट टेक्स द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड. वो कहाँ से लैटेंट हीट लेगा, हमारे हाथ की एनर्जी जो हीट होगा वो ले लेगा. सो आवर हैंड लूज हीट एंड गेट्स कूल्ड. तो हमारा हाथ क्या हो जाता है, हीट को लूज करता है और ठंडा हो जाता है. व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम इट एब्जॉर्ब लैटेंट हीट. जब वाटर भी स्टीम में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है, तो लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है वो. बट व्हेन स्टीम कंडेंस टू फॉर्म वाटर एन इक्वल अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट इज गिवन आउट. मतलब जब स्टीम क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, जैसे क्लाउड में जब कंडेंसेशन होकर के वाटर में वो चेंज होता है, मतलब रेनिंग होती है, तो उस दौरान वो क्या होता है, क्यों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें से जितनी एनर्जी वो ले करके वेपर बना था उतनी ही एनर्जी वो निकाल देता है. इट हैज़ बीन फाउंड दैट द बर्न्स कॉज्ड बाई स्टीम आर मच मोर सीवियर देन दोज कॉज्ड बाई बॉइलिंग वाटर, है ना. तो जो जलन होती है स्टीम से वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बॉइलिंग वाटर में. मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर ले लीजिए और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम ले लीजिए, तो कौन मेरे हाथ को ज़्यादा जला पाएगा. तो हम जानते हैं वाटर ज़्यादा हमारे हाथ को जला पाता है. दो बोथ ऑफ देम आर एट द सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्टीम कंटेन्स मोर हीट. स्टीम के पास ज़्यादा हीट रहती है उसके पास, इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट के फॉर्म में, है ना, देन बॉइलिंग वाटर. ओके, देन बॉइलिंग वाटर. सो व्हेन स्टीम फॉल्स ऑन आवर स्किन एंड कंडेंसेस टू प्रोड्यूस वाटर इट गिव्स आउट 22.4 × 10⁵ जूल्स पर केजी मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर. सॉरी बच्चों, एक चीज़ गलत हो गया ना, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया शायद. जो बॉइलिंग वाटर होता है उससे ज़्यादा क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्टीम होगा वो कॉज करता है बर्न. ओके, एट द सेम टेम्परेचर सिंस स्टीम गिव्स आउट मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर इट कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स, ठीक है ना. तो स्टीम जगह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो वो ज़्यादा बर्न करेगा, वाटर उतना बर्न नहीं करेगा जितना, दोनों करेगा, बर्न दोनों करेगा लेकिन स्टीम ज़्यादा करेगा. शायद मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया है कि लिक्विड ज़्यादा बर्न करेगा, है ना बच्चों, ऐसा नहीं है. जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि रिएक्शन जो होती है कुछ मेटल्स जो है डायरेक्टली वाटर से नहीं करते हैं, तो हॉट वाटर से करेंगे, तो वहाँ हॉट वाटर से कुछ नहीं करेंगे तो स्टीम फॉर्म में करेंगे, तो स्टीम वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉलिड और लिक्विड वाले केस में कन्फ्यूज़ हो गया था, इस वजह से ये बात शायद निकल गई होगी. अब मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मैंने यही बोला है या स्टीम को ही बोला है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती से लिक्विड को बोल दिया था कि ये ज़्यादा बर्न करेगा, जो कि ये फैक्ट है, आप क्लियर कर लीजिए. अगर वहाँ गलती हो गई तो अभी क्लियर कर लीजिए कि हमको ज़्यादा बर्न कौन देगा, स्टीम देगा. ओके, दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई स्टीम इज़ बेटर देन बॉइलिंग वाटर फॉर हीटिंग पर्पज़.
हीटिंग पर्पज़ के लिए स्टीम ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। अब हम लोग सब्लिमेशन समझ लेते हैं। तो इसको इतनी बार समझा चुके हैं बच्चों, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट जब से स्टार्ट किए हैं तो सारी चीज़ें इतनी बार समझा दी हैं कि कुछ आपको तो अपने आप समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ चीज़ें तो आपको अपने आप फील आने लगी होंगी कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। सब्लिमेशन देखिए क्या होता है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस व्हेन हीटेड फर्स्ट चेंज इनटू लिक्विड। सबसे पहले जब भी कोई सॉलिड है अगर उसको हीट किया जाए तो किस में चेंज होता है, सबसे पहले लिक्विड में, एंड देन इनटू वेपर्स। उसके बाद और हीट करेंगे तो किस में बदलेगा, वेपर में। दिस वेपर ऑन कूलिंग फर्स्ट फॉर्म्स अ लिक्विड एंड देन अ सॉलिड। और उसी वेपर को पहले अगर कूल किया जाए तो सबसे पहले क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, और फिर क्या बनेगा, और कूल करने पे सॉलिड बन जाएगा। बट देयर आर अ फ्यू सॉलिड सब्सटेंस विच चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर। और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी बच्चों जिसको हम हीट करें तो वो लिक्विड में ना बदल करके डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, वेपर में चेंज हो जाते हैं, है ना। ऑन हीटिंग एंड द वेपर गिव बैक सॉलिड सब्सटेंस ऑन कूलिंग। मतलब अगर हीट कर रहे हैं उसको तो डायरेक्ट वेपर बन रहा है, और कूल कर रहे हैं तो डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है, लिक्विड का बनना ही नहीं है उसमें। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस है उसी के बारे में हम लोग को सब्लिमेशन में डिस्कस करना है, ठीक है बच्चों। देखिए, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, बिना मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जा रहा है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जा रहा है। सॉलिड को गर्म कर दे रहे हैं तो गैस बन जा रहा है, और गैस को ठंडा कर दे रहे हैं तो सॉलिड बन जा रहा है, इसमें लिक्विड बन ही नहीं रहा। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इंटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इंटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड को हीट किया तो वेपर बन गया, वेपर को कूल किया तो सॉलिड बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई, प्लीज नोट दैट फर्स्ट दो पॉइंट देख लीजिए। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इंटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली अगर सॉलिड का चेंज हो जाए वेपर में, द चेंजिंग ऑफ वेपर डायरेक्टली इंटू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो दोनों को हम क्या बोलना है, सब्लिमेशन ही बोलना है। सॉलिड का गैस में बदलना या गैस का डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाने को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ कह रहा ना, ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन, दोनों को सब्लिमेशन बोला जाएगा। तो अगर हमको सॉलिड को गैस में बदलना है तो क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। गैस को सॉलिड में बदलना है डायरेक्ट, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो बदल जा रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। दोनों पॉइंट आपको रिमेंबर होने चाहिए। द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडर गो सब्लिमेशन इज सेट टू सब्लाइम। द सॉलिड ऑब्टेंड बाई कूलिंग द वेपर ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड अ सब्लिमेट। वी विल नाउ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। ओके, तो ये क्या कह रहा है, जो ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो अंडरगोइंग है सब्लिमेशन के लिए, जो जा रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, सब्लाइम, है ना। द सॉलिड ऑब्टेंड बाई कूलिंग द वेपर। अब जो सॉलिड को हम वेपर में भेज रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं, सब्लाइम बोल रहे हैं। और जो ऑप्टेन हो रहा है कूल करने के बाद, मान लीजिए वेपर है और उसको हमने सॉलिड में बदल लिया, उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेट बोलेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। देखिए, नहीं समझ में आया तो बस ये याद रखिए कि सॉलिड से लिक्विड अगर गैस में बदल रहा तो सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस से अगर डायरेक्ट सॉलिड में बदल रहा तो सब्लिमेशन कहते हैं उसको, ठीक है ना, इतना काफ़ी है। अमोनियम क्लोराइड अंडर गो सब्लिमेशन। अच्छा बच्चों, पहले मैं अमोनियम क्लोराइड के बारे में ही बता देता हूँ ये क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन अमोनिया में होता है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 3 बॉन्ड ऐसे बना लेगा, और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। इसका हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं, बॉन्डिंग के बाद वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड होते हैं वो दोनों के हो जाते हैं। ये सब आगे आप लोग समझेंगे। तो अमोनिया इस तरीके से बनता है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, NH3। अब इस पे लोन पेयर भी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अगर अमोनिया को हम लोग क्या कर दें, रिएक्ट करा दें, है ना, वाटर की प्रेजेंस में मान लो रिएक्ट करा दें, है ना, तो ये क्या बना सकता है। देखिए, वाटर किस में टूटता है, H+ में और OH- में। ये मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बता रहा हूँ, कुछ बच्चे अगर नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, है ना, एक्स्ट्रा है ये सब, आपकी नॉलेज को इन्हांस करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें टूटता है, वाटर खुद टूटता है H+ और OH- में। अब इसके पास लोन पेयर है तो ये H+ को डोनेट कर सकता है, तो ये लोन पेयर इसको देगा
तो क्या बन जाएगा, जुड़ जाएगा इसके साथ हाइड्रोजन, NH4 प्लस हो जाएगा, ये इसी को अमोनियम बोला जाता है ना। अब हमने उसी वाटर में NaCl डाल दिया है ना, तो ये NaCl किसमें टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में। यहाँ देखिए NH4 प्लस बना था, यहाँ Cl माइनस बना है, अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, NH4Cl। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। अमोनियम आयन के साथ क्लोराइड आयन जुड़ जाएगा और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, NH4Cl इसका फॉर्मूला होता है। एक्स्ट्रा है बच्चों, पूरा टोटली एक्स्ट्रा है, आप लोगों को बस मैं थोड़ा सा एडवांस करना चाहता हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। नहीं समझ में आएगा जिस बच्चों को, बस वो इतना समझे कि अमोनियम क्लोराइड कोई सब्सटेंस है, ये कहाँ जाता है, अंडरगोज सब्लिमेशन, मतलब इसका सब्लिमेशन हो जाता है, ये ऐसा सब्सटेंस है जिसका सब्लिमेशन हो जाता है। ओके, व्हेन सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, जब सॉलिड फॉर्म में ये रहेगा अमोनियम क्लोराइड और इसको हम हीट करेंगे, इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू अमोनियम क्लोराइड वेपर। ये डायरेक्ट कहाँ चेंज हो जाता है, सॉलिड से वेपर में चला जाता है, लिक्विड नहीं बनता बच्चों, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। एंड व्हेन हॉट अमोनियम क्लोराइड, व्हेन हॉट अमोनियम क्लोराइड वेपर इज कूल्ड, जब हॉट अमोनियम क्लोराइड वेपर को हम ठंडा करते हैं, इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। अब वेपर फेज से वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, सॉलिड में है ना, अमोनियम क्लोराइड में सॉलिड में बदल जाएगा अगर वेपर है तो, कूल करने पे, और गर्म करने पे सॉलिड से कहाँ जाता है, वेपर में, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड की ये प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है ना, इसीलिए इसका हम सब्लिमेशन देखते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन अकर्स इन ओनली अ फ्यू सब्सटेंस, कुछ ही सब्सटेंस में ऐसा होता है ना, सो इट इज़ रेयर प्रोसेस, ये बहुत ही मतलब रेयर है। द कॉमन सब्सटेंसेज विच अंडर गो सब्लिमेशन आर, कुछ ऐसे कॉमन कंपाउंड हैं, देख लीजिए कॉमन सब्सटेंस है, अमोनियम क्लोराइड होगा सब्लिमेशन, आयोडीन होगा, कैम्फर, कपूर जानते हैं ना बच्चों, उसको भी आप लोग घर पे जला के देखिएगा, वो डायरेक्टली क्या है, लिक्विड में नहीं बदलेगा, वो डायरेक्टली किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा ना। नेफ्थलीन होता है और एंथ्रासीन होता है, तो ये सब पे बहुत ज़्यादा ना जाइए, कैम्फर याद कर लीजिए, आयोडीन याद कर लीजिए है ना, अमोनियम क्लोराइड इतना बहुत है, ठीक है ना। नेफ्थलीन और एंथ्रासीन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है, अभी नहीं। When these solids are heated, जब इस solids, इन सारे solids को heat किया जाएगा, their particles move so quickly that they separate completely to form vapor. जब इसको heat किया जाएगा तो इनके जो है particles जो होंगे वो दूर दूर जाने लगेंगे, और तुरंत दूर जाएंगे और क्या बना लेंगे, vapor बना लेंगे। And when these vapor, और जो इससे vapor बना है उसको हम cool कर दें, तो these particles slow down so quickly, और वो बहुत slow हो जाते हैं ना, अब कूल कर रहे हैं, वेपर जानते हैं ना बहुत तेज़ी से मूव करता है, ये हम लोग पढ़ते आए हैं, और सॉलिड बहुत धीरे मूव करता है, उसके पार्टिकल सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन करते हैं है ना, तो बहुत ही जल्दी से कूल डाउन हो जाएगा, और दैट दे बिकम फिक्स्ड एंड फॉर्म अ सॉलिड, और क्या बना लेगा, सॉलिड बना लेगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन इज प्रोवाइडेड बाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, विच इज कॉमनली नोन एज ड्राई आइस। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों, ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या जानते हैं, ड्राई आइस के भी नाम से जानते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस सबलाइम्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम हीट कर देंगे तो डायरेक्टली वो वेपर बदल जाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। वी विल नाउ परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम लोग ये इंडिकेट करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ओके देखिए, वी टेक सम अमोनियम क्लोराइड इन अ चाइना डिश, अब इस तरीके का लैब में कुछ चाइना डिश मिलेगा आपको है ना, ओके And place the china dish on the tripod stand, और इस तरीके का कोई tripod stand होगा, उसी के ऊपर रख देना है, ये सब lab का मतलब lab में मिलेगा equipment, इसका नाम है ये सब। The china dish is covered with an inverted glass funnel, अब ये china dish ऐसा होता है, इसको inverted glass funnel ऐसा कुछ होगा, ऊपर दिख रहा ना, ये दो दो चीज़ है, ये glass funnel अलग है और china dish अलग है,
तो चाइना डेस्क डिस्को किससे कवर कर दिया है, ग्लास फैनल से, ओके, इन्वर्टेड उल्टा करके, है ना। अ लूज कॉटन प्लग इज पुट इन द अपर, अब लूज कॉटन का यहाँ पे हमने प्लग लगा दिया, ठीक है। ओपन एंड ऑफ द फनल टू प्रिवेंट द अमोनियम क्लोराइड, है ना, वेपर्स फ्रॉम इस्केपिंग इन टू द एटमोसफेयर, द चाइना डिश इज हीटेड बाई यूजिंग अ बर्नर। अब चाइना डिश को हम लोग हीट कर रहे हैं बर्नर से, अब ऐसा ना हो कि हमने जो अमोनियम क्लोराइड लिया वो हीट होकर के वेपर बनाए और वेपर बन के वो एटमोसफेयर में चला गया, इसीलिए हमने इसको किससे प्रिवेंट कर दिया है, एक कॉटन प्लग से इसको रोक दिया यहाँ पे, इसका माउथ किसका, फनल का, फनल का लोअर जो एंड है, अपर एंड तो ये है, ये तो इन्वर्टेड रखा है ना इस पर, ठीक है ना बच्चों। ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड चेंजेस इनटू वाइट वेपर, जैसे ही हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं वो वाइट कलर का वेपर बनाता है। दीज वेपर्स राइज अप एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ओके। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ द कोल्ड, अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ से हमने हीट करना शुरू किया तो ये क्या हो रहा है, सबलाइम हो रहा है, वेपराइजेशन हो गया, लेकिन जब ये चारों तरफ इसके लगेगा और कूल होगा थोड़ा सा तो यहीं पे सॉलिड बना करके रह जाएगा, क्योंकि बाहर चला जाता तब तो अलग बात होती, लेकिन जब यहाँ पे आ रहा है तो जब ठंडा हो रहा है थोड़ा तो ये क्या बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है बच्चों, सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। जब गर्म होगा तो डायरेक्ट इसका सब्लिमेशन होगा, वेपर बदलेगा, और जब कूल होगा तो तुरंत सॉलिड बना लेगा वो, ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अब ये क्या कह रहा है, दीज वेपर्स राइज अप एंड गेट कन्वर्टेड इन टू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड इनर वॉल्स ऑफ द फनल, ये थोड़ा सा ठंडा रहेगा, है ना, उसकी वॉल को जब कॉन्टैक्ट करेगा इसके वेपर्स तो वो तुरंत सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दिस वे अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट्स ऑन द इनर साइड्स ऑफ द फनल इन द फॉर्म ऑफ सब्लिमेट एंड कैन बी रिमूव्ड, अब इसके वॉल पर जा कर के क्या हुआ है, बैठ गया है ना, अब उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, बात समझ में आया, ओके, इनर वॉल पे, आउटर वॉल पे नहीं, अब यहाँ से अंदर ही, अब बाहर तो बंद है, बाहर से तो कुछ होना नहीं है, अंदर से वेपर बना और यहाँ पे जब ठंडा हुआ जा करके तो इसके इनर वॉल पर जा करके फनल के वो सब्लिमेट बैठ गया, अब उसको हम लोग किसी चीज़ से अलग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इन मैनी हाउस होल्ड स्मॉल नेप्थलीन बाल्स आर केप्ट इन स्टोर्ड वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स, तो बहुत सारे हाउस होल्ड में छोटे छोटे नेप्थलीन बाल्स जो हैं रखे जाते हैं कहाँ पे, वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स में, कपड़ों में एट्सेट्रा, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अटैक ऑफ मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स, तो जो इंसेक्ट्स के अटैक से उस कपड़े को ख़राब होने से बचाएंगे, कौन, नेप्थलीन बाल जो होता है वो छोटे छोटे होते हैं। इट इज़ नोटिस्ड दैट दीज, आप लोगों ने नेप्थलीन बॉल देखा होगा, है ना, कुछ खरीदिए तो अक्सर वाइट वाइट कलर का कुछ छोटा छोटा सा उसमें गोल सा इस तरीके का होता है, है ना, तो उसी को हम लोग नेप्थलीन कहते हैं, ओके। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी रेसिड्यूज, तो नेप्थलीन की जो बॉल होती है वो डिसअपियर हो जाती है समय के साथ, विद टाइम, विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी रेसिड्यू, ये एकदम के क्या हो जाएगी, सब्लाइम हो जाएगी, मतलब सब्लिमेशन इसका हो जाएगा, है ना, टाइम के साथ टाइम बीतेगा और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और इसका कुछ रेसिड्यू भी नहीं बचता, रेसिड्यू का मतलब जैसे हम लोग लकड़ी को अगर गर्म मतलब जला दें तो राख बचती है, उसी को रेसिड्यू बोलते हैं, इसका कोई रेसिड्यू ही नहीं बचेगा, बात समझ में आ रही है। चलिए, दिस इज़ बिकॉज नेप्थलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन, नेप्थलीन बॉल कहाँ जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है उसका, द नेप्थलीन बॉल्स कीप ऑन फॉर्मिंग नेप्थलीन वेपर्स, क्या करता है वो लगातार नेप्थलीन वेपर बनाता है स्लोली, विच डिसअपियर इनटू द एयर, एयर में वो डिसअपियर हो जाता है। वी कैन नॉट शो द इंटर कन्वर्जन बिटवीन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस विद द हेल्प ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल शोन इन फिगर 48, तो ये चीज़ देख लीजिए। सॉलिड को अगर सब्लाइम कर देंगे तो गैस में बदल जाएगा, गैस को अगर सब्लाइम कर देंगे मतलब सब्लिमेशन करा देंगे तो सॉलिड में बदल जाएगा, सॉलिड की मेल्टिंग कर देंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड की अगर हम कूलिंग मतलब फ्रीजिंग कर देंगे तो सॉलिड में बदल जाएगा, और गैस को अगर हम कंडेंस कर देंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को अगर हम बॉइल कर देंगे तो गैस में बदल जाएगा,
तो ये एक ट्रायंगल से आप लोग सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, जितना भी पढ़े हैं वो इस चीज़ में अब आपका छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए, नहीं समझ में आए कोई भी चीज़ तो लिखिए। ठीक है बच्चों, तो अब जो है मैं यहीं पे रोक दे रहा हूँ। ठीक है, लगातार मैंने कई लेक्चर आज बनाए हैं, तो कहीं कहीं पे बच्चों थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लिया करिए, वॉइस प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और काफ़ी एलर्जी थी मुझे आज, अभी तो मैं काफ़ी फिट फील कर रहा हूँ, तो बीच बीच में कहीं कहीं पे मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, है ना। वो एलर्जी की प्रॉब्लम होने की वजह से, जैसे धूल अगर हमारे सामने आ गया ना, डस्ट वगैरह, तो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसीलिए कभी कभी मैं रीडिंग करते करते थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलने लगता हूँ, है ना बच्चों। तो इतना आप लोग मैनेज करिए, अब इतना एक एक लाइन मैं बता रहा हूँ तो थोड़े से आपको मैनेज करना पड़ेगा ना बच्चों। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत बेझिझक, किसी भी मतलब शरमाए बिना, ऐसा नहीं होना चाहिए शरमा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं, तुरंत राइट करिए, सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, वो चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, मैं ज़रूर बताऊँगा। और कोई भी कमेंट बच्चों आप पे नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है, अगर कोई भी कमेंट करेगा तो वो गलत होगा उसके लिए। ठीक है बच्चों, बैड कमेंट किसी के ऊपर नहीं, कोई कितना भी छोटा क्वेश्चन पूछे, हर बच्चे का दिमाग एक तरह नहीं होता बच्चों, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, कुछ बच्चों को कम समझ में आता है, कुछ बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, जो बच्चे ज़्यादा समझते हैं वो पहले अच्छे से पढ़े हैं, और जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो पहले उनका अच्छे टीचर से सामना नहीं हुआ बच्चों, यही प्रॉब्लम होती है ना। ऐसा नहीं है जो नहीं समझ रहा है वो बच्चा जो है, जिसको अभी नहीं उतना ज़्यादा जानकारी है, वो बच्चा मतलब मेहनत नहीं करना चाहता है, वो करना चाहता है लेकिन उसको उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो अच्छे प्लेटफॉर्म में अगर आप लोग आ गए हैं और अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं तो वो भी बच्चा स्ट्रांग हो जाएगा, अभी 9th में ही आप लोग हैं, घबराइए नहीं बच्चों, सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। और मुझे तो लगता है कि मेरे जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं ज़्यादातर हर चीज़ को समझते हैं, है ना, मेरी एक एक बात को वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर इतनी जल्दी कैसे हमको मिल जाता, मैं तो कुछ भी पूछता हूँ आप लोग फट से आंसर कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है बच्चों। बस ये रहा कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए उसको बहुत छोटे से भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कुछ पॉइंट में उसको दिक्कत हो रही है, तो मेरी क्लास में कम से कम वो झिझक नहीं रखेगा बच्चों, मैं किसी को भी मजाक उड़ाने नहीं दूंगा, ये गलत बात है बच्चों, जो मजाक उड़ाता है वो भी बच्चे, आप मजाक मजाक में तो उसका परेशान कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके साथ गलत हो रहा है, आपका नेचर ख़राब हो रहा है। कभी भी अपने ऊपर मेहनत करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, दूसरे के पैर खींचेंगे आप खुद कहीं ना कहीं फंस जाएंगे भविष्य में जाके, तो आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए, जो बच्चे दूसरे के पैर खींचते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा बच्चों कि आप लोग अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए ना, जाने दीजिए कि अगले को कम आता है ज़्यादा आता है उससे कोई बात नहीं, आप अभी कितना सफल हैं ये मायने नहीं रखेगा बच्चों, आप अपनी लाइफ में कितना सफल होंगे वो मायने रखेगा। तो जिस बच्चे के पास पेशेंस होगा और अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेगा, दूसरे का मजाक नहीं बनाएगा, वही देखिएगा लाइफ में आगे बढ़ेगा। ठीक है ना बच्चों, अभी की सफलता आपने ज़्यादा नंबर पा लिया बहुत खुश हो गए, और आगे चल के आपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव नहीं किया तो सारा का सारा चीज़ धरा का धरा रह जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अभी आप लोग अपने दिमाग का सही जो है इस्तेमाल करिए, किसी का भी मजाक मत लगाइए बच्चों, अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए, और अभी 9th 10th में जितना भी पढ़ रहे हैं 11th 12th में, 9th 10th 11th 12th का पूरा बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होगा आपकी आगे की स्टडीज़ में, यही सारी बेसिक्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और मेरे जो पढ़ाने का तरीका है बच्चों लाइन बाय लाइन, अगर इस चीज़ को किसी के समझ में आ गया ना सही से, है ना, तो पूरी लाइफ किसी तरह से केमिस्ट्री में उसको प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है बच्चों, तो अब यही आशा रखेंगे, जो बच्चे मजाक किसी का लगाते हैं उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है बच्चों, मैं सबको प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ आप लोग छोटे हैं, थोड़ी बदमाशी सबके अंदर होती है, मैं भी छोटा था तो थोड़ी बदमाशी कर लेता था, लेकिन जब सक्षम हो जाता है आदमी तो लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कई बच्चे उसी में क्या होंगे ना, आपसे डिमोरलाइज हो जाएंगे, आप किसी का मजाक लगाएंगे तो फिर उनका मन जो है उतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में नहीं लगेगा। किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए बच्चों, आप अच्छा नंबर लाइए, सबसे अच्छा लाइए, सबसे अच्छे बन के लाइए, अच्छे बच्चे बन के लाइए। ठीक है, कभी भी अब आप लोग बदमाशी नहीं करेंगे किसी से, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, दूसरी की क्वालिटी पे ज़्यादा आप ये नहीं करेंगे कि अरे इसको इतना ही मालूम है, इसको इतना ही आता है, ये इतने छोटी सी चीज़ पूछ रहा है मुझसे जान ले, आपके पास ज्ञान है और आप साइलेंट हैं तो आप महान हैं, आपके पास ज्ञान है आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मुझे ज्ञान है मुझे ज्ञान है ये है वो है दुनिया भर का, तो आपको लोग उतनी अच्छी नज़र से उतने संपन्न बुद्धि का नहीं समझेंगे। ज्ञान कब काम आना चाहिए, जब आपसे कोई कहे कि ये चीज़ बताइए और आपने उस चीज़ को अच्छे से उसका यूज कर लिया,
वो उस समय आपकी वाहवाही होगी। बार बार ज़बरदस्ती का कोई वाहवाही कराना चाहे कि मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है, तो ये अच्छी बात नहीं। जब मैं क्वेश्चन पूछूं और उस समय आप लोग आंसर देंगे, तब मैं वाहवाही करूँगा, हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है। कोई बच्चा क्वेश्चन छोटा सा पूछा, उसमें अगर कूद करके किसी ने बोल दिया कि अरे तुमको इतना नहीं आता यार, तो ये उसकी वाहवाही नहीं है, ये मेरी नज़र में उसकी वैल्यू गिर जाएगी बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे से कोई भी बच्चा मेरा इस तरह से बदमाशी नहीं करेगा। ठीक है, मैं किसी से बच्चों द्वेष नहीं रख रहा हूँ। आप अगर इस तरीके की बदमाशी करते हैं, मैंने पहले भी बताया कि मैं भी करता था, होता है, ये जनरली हो जाता है बच्चों से। ठीक है, लेकिन आप लोग संपन्न बुद्धि के बनिए, आगे से इस तरह का कोई भी कमेंट किसी के पास मत करिएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और इस प्लेटफॉर्म का पूरा आनंद लीजिए। धन्यवाद।